नमस्कार साथियों, मैं अमरन सिंह। बेसिकली मैं टीचर हूँ, वो साइकोलॉजी का हूँ, और मैं पिछले 5 से 7 साल से इस फील्ड में हूँ। साइकोलॉजी टीचिंग करा रहा हूँ। दूसरे तौर पे मैंने खुद सेल्फ 2016 का सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है। मैं 9 टाइम्स सीटेट क्लियर है मेरा टोटली कम्प्लीटली। और आपका 2016 का असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था लोअर PCS के थ्रू, मैं उसमें सेलेक्टेड हूँ। और अभी वर्तमान में मैं अपने संस्थान में पढ़ाता हूँ। मैं आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई, जो आपके दो स्तर पर होती हैं, एक तो स्टेट स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है, जिसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, सीटेट बोला जाता है जिसे। यह साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। इसके कंप्लीट सिलेबस से परिचित कराते हुए, दोनों स्तर का, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों का कंप्लीट कराते हुए, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना, वो साइकोलॉजी का होता है। और साइकोलॉजी के साथ साथ पैडागोजी इससे जुड़ा हुआ होता है, और प्रत्येक सेक्शन में ये आती हैं। तो इससे भेंट करते हैं हम। अगर एग्ज़ाम देखा जाए, जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेट का, ये सीटेट फर्स्ट 2020 के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो एग्ज़ाम 5 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा, 5 जुलाई को ये एग्ज़ाम क्लियर कराया जाएगा। और सीटेट दो स्तर पे कराया जाता है, एक प्राथमिक स्तर, दूसरा जो प्राथमिक स्तर होता है वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक चयनित किए जाते हैं, वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लियर होनी चाहिए उनकी। दूसरा जो होता है वो होता है उच्च प्राथमिक स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर। और ये जो कक्षा कंडक्ट करती हैं, एक कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के टीचर बनते हैं। ये केवल पात्रता मिलती है इसके थ्रू। और इसमें अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर ये कॉमन होता है, और इसके लिए आपके पास किसी भी प्रकार की बैचलर एजुकेशन से जुड़ी हुई डिग्री, या कोई बैचलर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में मौजूद। दूसरे तौर पर अगर देखा जाए तो इसके लिए आपके पास BEd, DLED, DED, या ये सब जो BEd है इसमें ये डिग्री होती है, बाकी ये दोनों के दोनों डिप्लोमा होते हैं, या किसी भी प्रकार का शैक्षिक डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। शैक्षिक डिप्लोमा अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक प्राथमिक स्तर का और एक उच्च प्राथमिक स्तर का। जो उच्च प्राथमिक स्तर का सिलेबस होता है ये अलग तरीके से 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक साइंस स्ट्रीम, दूसरे तौर पर जिसे विज्ञान वर्ग के नाम से जाना जाता है, एक होता है आर्ट स्ट्रीम जिसे कला वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं, जो सबसे पहले मिलते हैं हम प्राथमिक स्तर के सिलेबस से सीटेट के लिए। तो प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस होता है तो देखा जाए ये पर्टिकुलरली 5 सेक्शनों में डिवाइड होता है। जो सेक्शन होते हैं वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये पहला जो सेक्शन होता है वो मनोविज्ञान का होता है, जिसे साइकोलॉजी बोला जाता है। सेकेंड सेक्शन होता है वो गणित का होता है। तीसरा सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, यानी कि भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट का होता है। और इस भाषा फर्स्ट में ये अनिवार्य होती है, कंपलसरी है, इससे आपको भेंट करना ही होता है। और इस अनिवार्य भाषा में हिंदी होती है। यहाँ हिंदी के व्याकरण और यानी कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही पार्ट आते हैं। ग्रामर भी आता है और लिटरेचर भी आता है, दोनों ही पार्ट आते हैं। अगला जो पार्ट होता है वो आपका पर्यावरण अध्ययन का होता है। और जो अंतिम पार्ट होता है वो भाषा द्वितीय करके आता है, भाषा सेकंड का होता है। और इस भाषा सेकंड में 2 भाषाएं होती हैं,
एक अंग्रेजी, दूसरी संस्कृत। अंग्रेजी और संस्कृत, अगर इसके कंप्लीटली मार्किंग की बात की जाए, मार्किंग की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें मार्किंग की बात की जाए, मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये इक्वल होते हैं 150, 150। ये अलग तरीके से दो वर्गों में बटा होता है। 150 को क्लियर करने के लिए, जनरल के लिए 90 मार्क गेट करने होते हैं। अगर कम्प्लीटली परसेंटेज में निकला जाए तो 60% चाहिए आपको। और कैटेगरी जो वर्ण आरक्षण होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो मार्क होता है ये स्टेट लेवल के लिए है। स्टेट लेवल पे कोई भी कैंडिडेट 82 मार्क्स पे क्वालिफाई माना जाता है, लेकिन कभी भी वो स्टेट लेवल के अलावा, इस पात्रता परीक्षा को छोड़ के स्टेट लेवल के अलावा, अगर वो सेंट्रल लेवल पर आता है तो उसके लिए 90 मार्क का होना आवश्यक है। यहाँ स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाता है 82 मार्क्स पे। अक्सर करके लोग यहाँ कन्फ्यूज़ रहते हैं, सर 82 पे क्वालिफाई होता है, 83 चाहिए कि 82 पे क्वालिफाई हो जाता है। जो बेसिक है स्टेट लेवल के लिए वो 82 पे क्वालिफाई माना जाता है। कंप्लीटली अगर इंडिविजुअली सेक्शन की बात की जाए तो कौन सा सेक्शन 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस, पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस और लैंग्वेज के अलग तरीके से ऑब्लिक में, इनमें से कोई एक भाषा आपको चुननी होती है, तो 30-30 क्वेश्चंस आते हैं इनके, 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ऑलवेज साइकोलॉजी का रहता है, हमेशा याद रखना। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिस बंदे के पास, जो स्टूडेंट साइकोलॉजी में बहुत अच्छी खासी पकड़ बना लेता है, सीटेट उसके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है सीटेट। और साइकोलॉजी में पकड़ बनाने के लिए आप को मैं इस चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ, मैं खुद अपने संस्थान में पढ़ाता हूँ, वहाँ से जो मैंने लास्ट टाइम ये जो एग्ज़ाम होके गया है 2019 वाला सेकंड, यहाँ से मैंने बहुत अच्छे खासे नंबर्स के साथ स्टूडेंटों को क्वालिफाई करवाया है। और जो मैंने अपने क्लास नोट्स में पढ़ाया हुआ है, क्लास नोट्स से मेरे 28 क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए हुए थे। बच्चे यहाँ तक मुझसे कमेंट पास किए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं मुझे, बच्चों ने ये बोला है कि सर पेपर आपने बनाया था क्या सीटेट का। तो इस चीज़ का मैं बिलीव दिलाता हूँ आपको कि नंबर लेना, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत आसान है, बस ये है कि आपके पास सही गाइडेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो ये गाइडेंस की गारंटी मैं लेता हूँ। सबसे बड़ी बात है, सीटेट एग्ज़ाम एक समस्या के समान होता है, सेम समस्या के समान। कैसे होता है देखो, साइकोलॉजी जो होती है इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने यहाँ पकड़ कर ली, इसके साथ साथ में पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सेक्शन से, आप कोई भी सेक्शन उठा लो, बाकी चार सेक्शन से पैडागोजी क्वेश्चन आते हैं। और ये मिनिमम जो मार्क और क्वेश्चन डिसाइड होते हैं वो 12 से 15 होते हैं प्रत्येक सेक्शन से। अगर बात की जाए, अगर 15 मैक्सिमम रहते हैं चार सेक्शनों में, 15 का मल्टीप्लाई करते हो तो 60 क्वेश्चन ये बनते हैं। अगर 12 से करते हो तो 48 बनते हैं, यानी कि 48 या 60 क्वेश्चन तो सीधे सीधे पैडागोजी से मिलते हैं। पैडागोजी होती क्या है, किसी भी विषय की विषय वस्तु को किसी विद्यार्थी को आप सिखा रहे हो, तो उसे सिखाने के लिए किन माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस तरीके से सिखाना चाहिए, ये इसे पैडागोजी बोला जाता है। यानी कि जो शैक्षण कार्य होता है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं पैडागोजी। शैक्षण पद्धतियाँ, शैक्षिक पद्धतियों को बोला जाता है। तो ये इसका कंप्लीटली सिलेबस होता है। इससे भेंट करने के लिए पैडागोजी के जो सेक्शंस होते हैं और सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि मुझे ब्रेक कैसे करना है, इसे जो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इसे ब्रेक कैसे करना है। सबसे बड़ी बात आपको हमेशा दिमाग में, आप स्वयं को उठा लो कि आप एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई समस्या दी जाती है आपको, समस्या समाधानकर्ता के रूप में आप खड़े हुए हैं, आपको कोई समस्या दी जाती है कि एक मूक बधिर बालक जो बोल नहीं सकता, बोलने वाला बालक अक्सर करके जो आता है वो सुन भी नहीं सकता, और ये क्वेश्चन में दिया गया है समस्या के रूप में, इस बालक को आप किस तरीके से पढ़ाओगे। तो ये आपके सामने समस्या है, और किसी भी समस्या का समाधान करते हुए हमारे दिमाग में 100 विचार आते हैं, हमारे दिमाग में जो हमारा प्रथम प्रत्यक्षीकरण होता है उसके माध्यम से 100 विचार आते हैं,
और उन 100 विचारों में से जो सबसे बेस्ट होता है, जो उस समस्या के लिए सबसे बेस्ट होता है, हम उसका चयन करते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं, और उसी अप्लाई के आधार पर हम समाधान निकालते हैं उसका। यही है सीटेट। सीटेट की जो कंप्लीट थ्योरी है वो यही है। जो पेडागोजी की कंप्लीट थ्योरी है वो यही है। जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के, लोग पढ़ने में लगे रहते हैं शिक्षण विधियाँ, फालतू की चीज़ें पढ़ने में लगे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किस आधार पर, किस बेस पर क्या पढ़ना चाहिए। वो आपके सामने एक समस्या दी जा रही है, उस समस्या के 4 समाधान दिए होते हैं ऑप्शंस के रूप में, और उन समाधानों में से आपको वो समाधान हमेशा उठाना होता है जो बेस्ट होता है उस समस्या पे, बेस्ट तरीके से उसको एलेबोरेट कर रहा होता है, बेस्ट तरीके से अप्लाई किया जा रहा है और बेस्ट तरीके से उसे समाधान के रूप में दे रहा है। तो कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं सीटेट। दूसरा कहा जाए तो सीटेट में जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कंप्लीट तौर से, वो 60 क्वेश्चन या मिनिमम 48 क्वेश्चन कंडीशनल होते हैं। साइकोलॉजी की बात की जाती है तो इसके अगर सब्जेक्टिकल बेस की बात की जाए तो सब्जेक्टिकल बेस के मिनिमम मैक्सिमम उठा के देखा जाए तो 10 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी में भी कंडीशनल बेस के होते हैं। तो कंप्लीटली कंडीशनल क्वेश्चनों का अगर बेस देखा जाए तो 68, यहाँ 80 सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइकोलॉजी और पेडागोजी। अगर आप यहाँ बढ़ गए तरीके से तो बहुत आराम से, मैथमेटिक्स बहुत बेसिक स्तर का आता है, हिंदी भी आप बचपन से हिंदी राष्ट्र में रह रहे हो, भारत में रहते हो, तो हिंदी मोस्टली मेरा मानना ऐसा है बेसिकली सारे लोगों की नॉर्मल होती है, और नॉर्मल के आधार पर अगर आप हिंदी के साथ में कोलैबोरेशन करते हो तो हिंदी बहुत आराम से हो जाती है, मैथमेटिक्स भी बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि इनका स्तर बहुत लो है जाता है प्राथमिक लेवल के लिए। पर्यावरण अध्ययन भी बहुत बेसिक लेवल का होता है, और भाषा सेकेंड में जो आप चूज़ करते हो, जो आपकी भाषा होती है सेकेंड, हिंदी अंग्रेजी उठाई जाए, संस्कृत उठाई जाए, अगर आप संस्कृत चूज़ करते हो तो हिंदी में फ़ायदा देती है वो कहीं ना कहीं, दोनों का ग्रामर एक जैसा है, आधे जनीनी भाषा बोली जाती है हिंदी की, तो ये है। बाकी हम मिलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के सिलेबस से, ये सिलेबस है प्राथमिक स्तर के लिए। बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के सिलेबस की, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दो वर्गों में बटा होता है। अगर इसके सेक्शन की बात की जाती है तो इसमें भी वही आधार होता है, सेम कंसेप्ट होता है। ये विज्ञान वर्ग के लिए है, सबसे पहला आता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आता है, इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। सेकंड में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके में विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ जुड़ा होता है गणित, ये दोनों मिला के जो आते हैं उसके 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन विज्ञान के, 30 क्वेश्चन गणित के, और विज्ञान में तीनों साइंस जो आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं साइंस की, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों की तीनों आती हैं, लेकिन बेसिक स्तर की होती हैं, जनरल स्तर की होती हैं, ज़्यादा हैवी लेवल नहीं होता है इसका। अगला जो होता है वो भाषा प्रथम का होता है, सेम सेक्शन रहता है, और भाषा प्रथम में अनिवार्य भाषा होती है हिंदी, जो अनिवार्य भाषा है आपकी हिंदी, ये सबके लिए कॉमन है, दोनों सेक्शन होते हैं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही सेक्शन आते हैं इसके। जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं इसके वो 30 क्वेश्चन बनते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। लास्ट जो पार्ट होता है ये दो सेक्शन में बटा होता है, दो पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ जाता है, सेकंड के साथ में थर्ड पार्ट आ जाता है, दो पार्ट आ जाते हैं, चौथा पार्ट में ये आता है, और पाँचवें लास्ट जो पार्ट होता है वो भाषा द्वितीय का होता है इसमें भी, भाषा सेकंड का, और भाषा सेकंड में इसमें भी आपके पास ऑप्शनल होता है, आप अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में से कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हो, और इसके भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्लिक में 30-30 होते हैं, और सेम सेक्शन होता है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लड़ाई करती है वो साइकोलॉजी करती है, पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर 30 आते हैं, विज्ञान से उठाया जाए, साइंस से, विज्ञान और गणित दोनों से उठाया जाए 30 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट से, बाकी इन्हें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मैथमेटिक्स को, साइंस को कैसे सिखाया जाना चाहिए विद्यार्थी को, तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 12 से 15 के बीच में आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो 12 से 15 के बीच में रहते हैं, कभी कभी ये पार्ट 12 15 ना रह के 18 20 तक पहुँच जाता है, कभी कभी बहुत ऊपर लड़ाई कर जाता है जाके 12 और 15 के बीच में रहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मेरा मानना ये है, जो मैंने टॉप किया था अपना जोन 2016 में, मात्र 20-25 दिन की स्टडी में किया था मैंने, और मैं जो अध्ययन करा रहा हूँ वो तभी से बैक टू बैक अध्ययन करा रहा हूँ, और मैंने
अपने स्टूडेंटों को देखा है। मैं बोलता हूं उनसे कि आप एक समस्या के रूप में प्रश्न को देखो, आपके सामने आया हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ में अप्लाई करो उसे। चार ऑप्शन में से आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं, चार ऑप्शन पढ़ने हैं जो समस्या आ रही है उसमें से। बाकी तीन ऑप्शनों को क्यों हटा रहे हो, इसका रीजन अगर आपके पास है बचा, वो आंसर है। ज्यादा सोचो मत, बचा वो आंसर होता है। इसी तरीके से कला वर्ग का होता है, कला वर्ग में जो विज्ञान वर्ग है ये, यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, वहां सामान्य अध्ययन जुड़ जाता है, सामान्य अध्ययन। और यहाँ सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 60, और इसमें से 30 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होते हैं, लेकिन बाकी जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो पेड़ागोजी के होते हैं, पेड़ागोजी के होते हैं। ये इस तरीके से लाई करता है जो आता है, 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो पेड़ागोजी के आते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका साइकोलॉजी के साथ साथ पेडागोजी है, मेरा मानना ये है। और दूसरे तरीके से देखा जाए, मुझसे मिलिए, भेंट करिए, और फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम को कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। दुनिया का अगर सबसे कोई छोटा एग्ज़ाम है तो मेरी नज़र में सीटेट है, सबसे छोटा एग्ज़ाम है ये, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। आपको पढ़ाया सही तरीके से नहीं जा रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ाया सही तरीके से, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही है। मेरे सर में पेन है, इंजेक्शन दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के द्वारा मुझे पेट दर्द का, मैं कभी भी सही नहीं होने वाला। तो आपको जो समस्या है, जो बीमारी आपको है, उस बीमारी की दवा दी जानी चाहिए, चाहे आप होम्योपैथिक दो या एलोपैथिक दो, लेकिन समस्या जो है उसकी दवाई दो। बहुत आराम से, बहुत ही आसान से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से एग्ज़ाम निकलता है। बाकी धन्यवाद।